Enemy down! Enemy down! तो और भाई लोग क्या हाल चाल है। तो आ चुके हैं नए गेम प्ले के साथ वापस। और गाइस आज स्क्वाड का मैच खेल रहे हैं। तो भैया नहीं तुम सर आ जाओ, पहले फोटो खिंचवाने तो आ रहे हो। बात करते हैं गेम प्ले की। तो हम पायलट प्लाजा उतर रखे हैं। तो भैया ये जो बंदा भी आया था ना यार, इसको मारने में हमको बहुत गिल्टी फील हुआ। कुछ दिन पहले हम भी यही चीज थे, बट आजकल बंदे स्कैम भी करते हैं भाई। वो नए कैरेक्टर वाला कपड़ा पहन के भैया स्कैम करते हैं, वो भी फुल मैक्स M4 लेके टहलते हैं। तो इसीलिए हम नॉक कर देते हैं उस बंदे को। और सामने एक बंदा रहता है भैया, उस पे गन आती है ना, तो यही सोचता है कि भैया अब हम पूरी स्क्वाड क्लच कर देंगे। हमने कहा इसे कैसे कर दोगे भाई, M16 पता है टट्टी गन है लेकिन कभी कभी काम कर देती है, तो बजा देते हैं भैया। तो ये वाली टीम जो है ना हॉल्टेड हो जाती है। अभी यहाँ पे बस बोटा भाई की टीम बची हुई है, तो जल्दी से उनको फिनिश करके और लूट उट करके यहाँ से निकल लेंगे, क्योंकि मज़े तो आ नहीं रहे हैं। वो क्या है ना, अब बंदे हैं नहीं, तो भाई अब हमारा काम इधर उधर भटकना है। तो जल्दी से भटक के लूट उट करते हैं और पहली फुर्सत में निकल लेंगे यहाँ से। आसपास बहुत ज़्यादा गोलियाँ चल रही हैं, लेकिन वो क्या है ना, बोटा भाई लड़ रहे हैं। तो हमने कहा भाई हम आज फाइट बोटा भाई से नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे टीममेट ही भाई फिनिश कर देंगे हमारे पहुँचने से पहले। वो क्या है ना, जब हम स्क्वाड का मैच खेलते हैं ना, तो हमारे टीममेट इतने कमीने हैं भाई, किल देते नहीं है। बोट को मारने वो 45 किलोमीटर दूर चले जाते हैं। तो 5 कम हमने बता दिया बस रिस्पेक्ट देने के लिए। तो कोई बात नहीं, सामने जो है ना अभी एक टीम और बची पड़ी है, जिसमें से भाई एक लौंडा पिल भी चुका है, हमारा टीममेट पेल देता है। तो अब हमारी बारी है बचाने की। लेकिन वो क्या है ना, बैड लक चल रहा है हमारा। हम 4 साल पहले ही बता दिए हैं कि भैया बैड लक चल रहा है। तो हमारे टीममेट बोलते हैं कोई ना, तुम आके डैमेज दे दियो, किल हमारे अकाउंट में आ जाएगा। तो हमने कहा भाई तो इससे अच्छा हम लॉबी ही चले जाएं, तुम सब खेल लो गेम। नहीं यार, हम फ़ोटो खिंचवाने आए भाई, किल नहीं चाहिए हमको, मतलब हद होती है यार। तो सामने कुछ टीमें बची पड़ी हैं, तो भाई चल के बजाते हैं, फिर बकाई थी बाद में करेंगे। तो हमें एक सोच के आए थे भैया एक स्क्वाड है, अपने 6 किल हो जाएंगे, एक तो मेरा टीममेट ही चोरी कर लेगा। तो वही सब हम प्लस माइनस करके आ रहे थे, लेकिन जैसे ही इस साइड आए, वो हमने बताया था ना हमारे टीममेट भाई किल हमें देंगे नहीं, बस डैमेज देते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। तो हमारे पहुँचने से पहले भाई यहाँ के बंदे बजा दिए जाते हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, कम से कम फ्लेयर वगैरह लूट के निकल लेंगे पहली फुर्सत में। तो अब यहाँ पर कुछ रहता नहीं है, तो हम लूटते हैं और निकल लेंगे, क्योंकि भाई यहाँ भाई टीमें हैं नहीं, तो रुक के क्या फ़ायदा। तो इसीलिए निकल लेते हैं, समझदारी का काम करते हैं। तो सामने फायरिंग हो रहा था, तो हमने कहा भाई किल ही चोरी कर लें। तो पहली बार हमने जो है ना अपने टीममेट के मुंह से किल चोरी किया, तो उसके लिए भाई हैशटैग किलर वॉच कमेंट में पेल दो भाई। चोरी तो हमने बहुत किया है, लेकिन नॉक बंदों का। तो इसीलिए भाई बोल रहे हैं कि हमारे टीममेट इतने अच्छे नहीं हैं कि जो तुम्हें किल दे देंगे। तो फ्लेयर लेके ना हम इस साइड आ जाते हैं, तो सामने जो है ना दो पदारी आपस में, नहीं देख लो भाई ये कौन सी बात है, मतलब उसको नॉक करने के बाद एकदम से उस पर अत्याचार कर रहे हैं बोटा भाई। तो हमारे पास जो है ना 4x था, तो थोड़ी सी नशेबाजी हम कर रहे थे। तो हमने कहा भाई नशेबाजी ऐसी कैसे करेंगे, तो किल चोरी कर लेते हैं। हम पहले देख रहे ना कि भाई बोटा भाई अपने टीममेट को रिवाइव करते हैं, लेकिन आज पहली बार देख रहे हैं गोलियाँ पहले रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम किल ही ले लेते हैं, पहले इनको बजा देते हैं, क्योंकि ये काफ़ी दर्द से ना तड़प रहे हैं, क्या ही नशे में बोले जा रहा हूँ। तो हमारे टीममेट भाई गाड़ी लेके आ गए हैं, तो अब निकल लेते हैं भाई बंदों को बजाने। तो इस गाड़ी की तारीफ में कोई कुछ बोलना चाहेगा भाई, मतलब जब तुम पे स्क्वाड रश करेगी, पहले कवर में भग ले,
नहीं हमारे टीममेट भाई देख रहे हो इतने अच्छे हैं, ओपन में गाड़ी रोक के भाई एकदम मजे से जो है फील कर रहे हैं। तो सामने एक नागिन बैठी पड़ी है भाई जो गंदा डैमेज देती है। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया है ना, जब कार 98 लेके मैं पिटी पिटी करता हूँ ना कोई मुझे ओम से बजा के ही जाता है। और सेम चीज़ आज मेरे साथ हो भी गया, तो पहले रिवाइव हो जाए फिर चलते हैं बजाने, क्योंकि भाई हम जब ओम से नॉक होते हैं ना तो हमारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आता है, समझ रहे हो, वो सबके अंदर आता है, वो हमारे अंदर थोड़ी सी आ जाती है। तो इसलिए हमने कहा भाई हमको रिवाइव कर लो, बचा लो हमको, क्योंकि हमको लेना है बदला। तो हमारे टीममेट रेडी हैं, अब चल के बजाते हैं भाई जिसने ओम से नॉक किया था। और वो टीम जो है ना स्टेडियम बैठी पड़ी है, और उसका एक मेंबर जो है इस साइड आ गया है फ़ोटो खिंचवाने, देखो यहीं पे अभी फ़ोटो खिंचवाएगा। तो हम कैमरा लेकर बस खड़े ही थे, लेकिन हमारे टीममेट जो है ना गाड़ी लेके भाग जाते हैं। तो हमने कहा ठीक है भाई आप वहीं पे रुको, हम बाद में आएंगे फ़ोटो खींचेंगे आपकी। तो सर यही है ओम वाले जो हमें नॉक किए थे, देख रहे हो, मतलब लौंडा इतना लो रहता है भाई, दो बुलेट में नॉक हो जाता है। तो अभी इनके और भी टीममेट बचे पड़े हैं जिनको हम बजाने वाले हैं, सॉरी उनसे पिलने वाले हैं भाई, शॉटगन लेके आ गया लौंडा। जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ ना भाई, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ लौंडे जानबूझ के गाड़ी लेके जाते हैं कि मैं वॉइस ओवर ना कर पाऊँ, मतलब इतने कमीने बंदे हो गए भाई, सॉरी अच्छे बंदे हो गए। तो यहाँ की टीम जो थी ना वो ऑल डेड हो गई है, और अभी देखना रेड जोन का भाई अलग ही सीन चलता रहता है, वो नशे में रहता ही नहीं है। तो अभी देखना भाई रेड जोन क्या कमाल करता है, मैं जा ही रहा होता हूँ अपने टीममेट को रिवाइव करने के लिए, लेकिन इतने भाई ऊपर से एक बड़ा सा गोल आता है और मेरे टीममेट की ना हरी हरी क्रेट निकाल देता है। तो हमने कहा ठीक है सर आप थोड़ा वेट करके गेम हम देखो, तो हम चिकन डिनर लेके आ रहे हैं। तब यहाँ पे कोई रहता नहीं है, और सामने की साइड एक ड्रॉप भी आ चुका है, और अभी हमने फ्लेयर मंगवाए भी नहीं है, तो चलते हैं लूट उट करके बजाते हैं उनको भी, क्योंकि भाई ओम अब हमने ले लिया है तो अब समझ रहे हो तबाही मचने वाली है। और गाइज अभी तक मैंने नोटिस किया है ना भाई, काफ़ी बंदे वीडियो देखते हैं बट लाइक नहीं करते, तो समझ लो भाई पैसा कटने वाला है, तो लाइक वाइक कर दिया करो भाई। तो पहले ये जो है ना प्राइवेट ड्रॉप मंगा के निकल लेंगे, क्योंकि हमें कुछ चाहिए ही नहीं, ओम मिल गई है निकलने बंदों को बजाने के लिए। अभी AWM से ना स्क्वाड वाइप करनी है, तो बोटा भाई को शांति देते हैं और निकल लेते हैं हम। तो सामने ड्रॉप पे ना मेरे को बंदा दिखता है, तो मैं ओपन जा ही रहा होता हूँ, लेकिन इतने में ये भैया जी TPP लेते हुए हमको दिख जाते हैं। तो हमने कहा भाई TPP लेनी जो है ना बहुत गंदी बात है, तो सजा दे देते हैं। टोटल जो है ना 6 बंदे बचे पड़े हैं, तो बोटा भाई भाग रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा भागते हैं, देखो तो चड्डी पहने नहीं है लेकिन फिर भी बहुत स्पीड से भाग रहे हैं। कहा है ना चड्डी में बहुत स्पीड से भागते ही हैं, लेकिन किस्मत ख़राब रहती है, डैमेज हम देते हैं, किल हमारा टीममेट लेके चला जाता है। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो किल हम अपने अकाउंट में ही कनेक्ट करेंगे। तो अब सामने जो है ना एक स्क्वाड बैठी पड़ी है जिनको बहुत गंदी तरीके से मारने वाले हैं, तो देखो और बताना भाई कमेंट में कैसा था, तबाही मचा दी हो एकदम कमेंट्स में, नहीं तो आ जाओ ड्रॉप लूट लो। तो हम क्या है ना ट्राई कर रहे थे भैया रनिंग हेड शॉट मार दें, लेकिन वो क्या है ना AWM कभी कभी जो है ना नशेबाजी नहीं करती, बट जो है ना 6x नशेबाजी कर देता है भाई। AWM की बुराई हम कर ही नहीं सकते, वरना समझ रहे अगले गेम में ना भाई ऐसे ऐसे नशे हो जाएंगे कि हम चलाएंगे बंदों पे लग जाएगी एयर ड्रॉप पे। तो इसीलिए हम तारीफ करते रहते हैं ताकि हमारे साथ सीन ना हो, तो भाई कोई मत करना AWM की बुराई, वरना भाई धोखा जो है ना बहुत गंदा देती है। तारीफ करोगे तो हवा में भी मार दोगे ना, हेडशॉट कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये भैया जी शायद इन पे भी ओम रहती है, तो ये भी हार्ड स्कोप करके बैठते हैं, लेकिन स्कैम हो जाता है इनके साथ। तो अब इनके जो टीम मेंबर बचे पड़े हैं ना, आप चलते हैं इनको भी बजाते हैं।
तो मजे लो भाई। तो बात करते हैं ये लास्ट वाले बंदे की। अगर मैं इसको M4 से मारता ना भाई, तो एक दो बुलेट लगने के बाद ये प्रोन हो जाता। इसीलिए मैंने कहा भाई ओम चेंज करो और सीधा हेडशॉट मारो। तो बजा देते हैं भाई। और अगर स्क्वाड वाइब अच्छी लगी हो तो कमेंट में जो है ना थोड़ा सा अच्छा सा लिख देना। बाकी लाइक बटन जो है ना वो मार्केट जाना और 10 रुपये का कलर लेना, नीला कर देना। बस इतना सा काम कर देना, बाकी तो तुम्हारा भाई हैंडल कर लेगा। तो अब लास्ट के जो है ना एक ही भैया बचे पड़े हैं, वो पता नहीं कहाँ गत्ते फूंक रहे हैं। तो कमेंट में बताओ वो किल किसके अकाउंट में जाने वाला है। तो बोटा भाई दिख गए। और मेरे टीममेट की वाइस सुनना आप। भाई मेरी क्या गलती है, जब बोटा भाई फायर करके बता रहे हैं कि सर हम यहीं पे हैं, किल ले लो, KD मेंटेन कर लो, तो कैसे हम नाइंसाफी कर सकते हैं किसी के साथ। तो बस भाई लोग आज की वीडियो में यही था। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक करना और कमेंट में बताना भाई कौन सी फाइट आपको अच्छी लगी। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तब आई गेम प्ले के लिए फिर मिलते हैं किसी अगले गेम प्ले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।